भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित, विचारधारा आधारित एक परिवार है और इस परिवार संगठन के निमित्त बहुत सारे अभियान हमारे निरंतर चलते रहते हैं। विशेष रूप से अगस्त का महीना एक राष्ट्रीयता के जागरण का समय होता है और इसके निमित्त पिछले कई वर्षों से हमारा संगठन हर घर तिरंगा अभियान ये वृहद स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे हम करते हैं। इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान का एक बृहद अभियान हम लोगों ने पार्टी की तरफ से लिया है और इसके निमित्त तीन प्रमुख कार्यक्रम पार्टी करने वाली है 10 से लेकर के 15 अगस्त तक। पहला प्रमुख कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा। हर विधानसभा में युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। एक सहज स्वाभाविक रूप से समाज में ये राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो, इस दिशा में हमारा संगठन क्या कर सकता है, आज का युवा क्या सोचता है, तो तिरंगा यात्रा का आयोजन हम करने वाले हैं युवा मोर्चा के नेतृत्व में 11, 12 और 13 अगस्त को। ये पहला प्रमुख कार्यक्रम है हर घर तिरंगा अभियान का। जो दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है, आप सबको इस बात का ध्यान है कि स्वच्छता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय के बहुत करीब है। स्वच्छता को जन आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। जो टॉयलेट एक्सेसिबिलिटी, शौचालय की उपलब्धता 2014 के पूर्व में मात्र 35% थी, आज टॉयलेट एक्सेसिबिलिटी पूरे देश में 100% से पहुंची है। ये अपने आप में एक अद्भुत कथा है। तो उस स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता को भी इस अभियान में हमने दूसरे प्रमुख कार्यक्रम में कवर किया है। तो तिरंगा यात्रा के बाद जो हमारा दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है वो है शहीद स्मारक, युद्ध स्मारक और शहीदों की प्रतिमाओं पे दो कार्यक्रम करेंगे हम। हम स्वच्छता करेंगे और माल्यार्पण का कार्यक्रम करेंगे। प्रायः पॉलिटिकल कार्यक्रमों में माल्यार्पण तो होता है लेकिन स्वच्छता किसी के मन मस्तिष्क में नहीं रहती है। लेकिन जिस प्रकार से 2014 से हमने देखा है कि स्वच्छता हमारे व्यवहार, हमारे विचार का एक अटूट अंग बने, उसके निमित्त हमारे संगठन में भी जो दूसरा प्रमुख कार्यक्रम हर घर तिरंगा के निमित्त लिया है वो है शहीदों की प्रतिमाएं, शहीद स्मारक, युद्ध स्मारकों पे 12, 13 और 14 अगस्त को माल्यार्पण का कार्यक्रम और स्वच्छता का कार्यक्रम। तीसरा प्रमुख कार्यक्रम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम हर जिले में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, हमारे लिए भारत मातृभूमि नहीं है, एक राष्ट्र पुरुष है, एक भावना है और इसका खंडन कर दिया गया था, खंडित कर दिया गया था 14 अगस्त को। कई आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ था। साथियों, मानव जाति के इतिहास में, इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, इस तरह का विस्थापन आज तक नहीं हुआ था। लोग एक दिन में रूटलेस हो गए थे, जड़ विहीन हो गए थे। 2 करोड़ ऐसे लोगों की संख्या विस्थापितों की विभाजन की विभिषिका से उत्पन्न हुई थी। कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर सिर्फ हत्याएं आप देखेंगे तो 20 लाख से ऊपर नृशंस हत्याएं हुई थी।
विभाजन बहुत बड़ी एक विभिषिका के रूप में आई थी। और 14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त जो हमारा तीसरा प्रमुख कार्यक्रम है, हम उस दिन रिफ्यूजी कॉलोनी में जो परिवार विभाजन के समय आए थे, जो उस समय जिनका जिन्होंने ये सहा था, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनको स्मरण करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। और उस कार्यक्रम के बाद जो जिले में हॉल में कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के बाद एक मौन जुलूस हम करने वाले हैं। तो ये तीसरा प्रमुख कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है। चौथा जो कि हमारे अभियान का नाम है, हर घर तिरंगा। हम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने मंडलों में, अपने अपने जहां भी पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी को मानने वाले लोग हैं, पार्टी को मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन एक राष्ट्रीयता के कारण एक सहज स्वाभाविक भाव उत्पन्न हो, तो हर घर में हमारा ध्वज लहराए। यदि आप ड्रोन से देखें तो लगे कि भाई पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से ये जागृति है। तो हर घर तिरंगा अभियान में ये हमारा चौथा प्रमुख कार्यक्रम है। साथियों, बहुत बड़ा अभियान अखिल भारतीय स्तर पर हम कर रहे हैं। 4 प्रमुख अंग हैं इसके, जैसे मैंने आपको कहा। पहला, युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा। दूसरा, 12, 13 और 14 को शहीद स्मारक, युद्ध स्मारक पे शहीदों की प्रतिमाओं पे माल्यार्पण और स्वच्छता का कार्यक्रम। तीसरा, विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस। और चौथा, हर घर तक हमारा तिरंगा कैसे पहुंचे, हम इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो ये तिथियां तो 10 से 15 की रहेगी, लेकिन उसके पूर्व में, उसकी पृष्ठभूमि में हमारी संगठनात्मक बैठकें, हमारी प्रदेश की टोली जो यहाँ बैठी है, हमारी जिला स्तर की टोली बन चुकी है, जिला स्तर के बैठक हो चुके हैं, मंडल स्तर तक की हमारी टोली बन रही है और उसकी भी बैठक होंगे। कल तक हमारा अनुमान है कि हमारे 27 संगठनात्मक जिलों के सभी मंडलों में इसकी टोली और इसकी बैठकें पूरी हो जाएंगी। ये जानकारी आपको देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने संबोधन की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम संगठन आधारित, विचार आधारित एक आंदोलन है। तो संगठनात्मक भी हो और कार्यक्रम भी हो और अभियान भी हो। तो इस निमित्त हर घर तिरंगा अभियान एक भाव और उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम और संगठनात्मक विश्लेषण के लिए हम लोग इस अभियान को ले रहे हैं। और हम आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि पिछले 2 बार की तरह इस बार भी झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र में रहने वाले लोग बढ़ चढ़कर पूरी उत्साह और ऊर्जा के साथ इस स्वतंत्रता के महापर्व में हिस्सा लेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान हमारे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और पराक्रम से निश्चित रूप से आने वाले समय में एक सफल अभियान बन के आएगा। इस अभियान की जानकारी, इस अभियान के अंतर्गत कुछ विषय रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया और ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी पांडे जी, देखिए ऐसा है कि झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पे आदिवासी गौरव दिवस, ये कब घोषणा हुई तो हमारे समय में हुई। आदिवासी विषयों पे केंद्र में मंत्रालय कब बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। आदिवासी समाज के लिए आयोग कब बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। हमारे आदिवासी समाज के प्रति प्रेम, स्नेह और संवेदनशीलता पे हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है, तो अब बैठी है और उसका विरोध किया गया था। हम ये भी स्मरण कराना चाहते हैं कि आज जो तथाकथित स्वघोषित दलित आदिवासी समाज की बात करते हैं
मैं तो उनसे प्रश्न चिन्ह करता हूं, आप बात तो करेंगे लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी से, तमाम विपक्ष के नेताओं से, आप हमसे बात करिए, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? आदिवासी समाज से आते हैं। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? आदिवासी समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है? दलित समाज से आते हैं, जगदीश देवड़ा जी। राजस्थान का उप मुख्यमंत्री कौन है? दलित समाज से आते हैं, प्रेम प्रकाश बैरवा जी। आज ऐतिहासिक स्तर पे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, पार्टी का संगठन हो, तो संस्थानों में भी एक सशक्त, संवेदनशील और सकारात्मक नेतृत्व आदिवासियों को मिला है, तो अब मिला है। जो बात करते हैं वो अपने परिवार से आगे निकलने की साहस नहीं करते हैं, लेकिन हम करके दिखाते हैं। धन्यवाद। नहीं, देखिए बिल्कुल एक चिंता का विषय है। सलमान खुर्शीद जी पूर्व में विदेश मंत्री की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सलमान खुर्शीद जी ही क्यों, मणिशंकर अय्यर, सज्जन वर्मा, इन्होंने जिस प्रकार की बयानबाजी की है, इसकी जितनी निंदा, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और हम संवैधानिक लोकतंत्र होने के बाद सफलतापूर्वक, बहुत लोगों ने पूर्वानुमान किया था कि भारत की ऐसी स्थिति होगी, भारत की वैसी स्थिति होगी, लेकिन आज पूरे विश्व में जहाँ एक ग्लोबल टर्मोइल की स्थिति है, आप रशिया यूक्रेन की बात करिए, आप मिडल ईस्ट में इसराइल पैलेस्टीन की बात करिए, हमारे नेबरहुड की बात करिए, पूरे विश्व में यदि ग्लोबल कम्युनिटी एक उम्मीद का किरण, एक ब्राइट स्पॉट देख रहा है तो भारत को देख रहा है, और भारत ने करके दिखाया है। कोविड का समय हो, कोविड में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, पैरासिटामोल हो, मास्क हो, हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि भारत के लोगों को दो डोज सुरक्षा का ना लगे, उसके साथ साथ बाहर की भी 150 दोषों को हमने वैक्सीन सप्लाई किया। G20 का इतना सफल आयोजन हमने देखा है, इंटरनेशनल योगा डे का उदाहरण है, तो पूरे विश्व में इतने उलटफेर, इतने इंस्टेबिलिटी के माहौल में भी यदि पूरी दुनिया अगर कहीं एक उम्मीद की किरण के साथ देख रहा है तो वो भारत को देख रहा है। और इस प्रकार की बयानबाजी जो सलमान खुर्शीद जी करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई सलमान जी ने पहली बार ऐसा बोला है ऐसा नहीं है। आप लोग को स्मरण होगा कि वो विदेशी धरती पर जा करके, पाकिस्तान की धरती पे जा करके वहां के हुक्मरानों से कहते हैं कि भारत में रजीम चेंज होना चाहिए, आप लोग भी दम लगाइए, हम भी दम लगाएंगे। ये वही सलमान खुर्शीद जी हैं जिन्होंने क्या कहा था बटला हाउस के एनकाउंटर में, कि बटला हाउस में जब एनकाउंटर हो रहा था तो सोनिया गांधी जी के आंखों में आंसू थे। ये उनके शब्द है, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था। तो उनकी बातों को कितनी सीरियसली, कितनी संवेदनशीलता से भारत के लोग या मीडिया के लोग लेते हैं या भली भांति जानते हैं। धन्यवाद। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये जो संशोधन अभी आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, संविधान प्रदत्त हैं, समावेशी हैं। यदि अगर वक्फ बोर्ड के संशोधन में ये कहा जाता है कि महिलाओं को भी प्रवेश इसमें मिलना चाहिए, तो इसमें आपत्ति किस बात से है? और जहाँ तक एनडीए में समन्वय की बात है, देखिए एनडीए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने गठबंधन धर्म ये शब्द कहा था, तो एनडीए में गठबंधन धर्म का पालन होता है, हम सबकी बातों को सुनते हैं। ऐसा विचार आया, हमने भारत की जनता के सामने वो बिल चर्चा के लिए रखा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है, संयुक्त संसदीय समिति में, हम आशा करते हैं कि वहाँ भी कुछ इंटरवेंशन आएंगे और रिच होकर के वो बिल सार्वजनिक डोमेन में आएगा। नहीं देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी संवेदनशील है, और यदि आप आज एक्स का पोस्ट देखेंगे
तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक्स पे ये लिखा है, और जो बांग्लादेश में अभी इंटरिम जिन्होंने अभी शपथ लिया है मोहम्मद यूनिस, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे आग्रह किया है कि आप अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, आप अपने सर्वोच्च प्राथमिकता पे वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यकों के सुरक्षा और सम्मान की चिंता करिए। लगातार आपको स्मरण होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट, नागरिकता कानून में जो संशोधन लाया गया, इसी दृष्टि से लाया गया था कि हमारे हिंदू अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में हैं, अफगानिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, उनका जो नागरिकता का प्रोसेस है फास्ट ट्रैक हो जाए, कम समय में उनको नागरिकता प्राप्त हो। और इसमें भी एक मैं विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जिन दलों ने इसका विरोध किया था, कौन दल थे ये? तथाकथित सामाजिक न्याय के पुरोधा वाले दल थे। उनके जानकारी में हम देना चाहते हैं कि जो हिंदू अल्पसंख्यक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, वो किस समाज से आते हैं? वो दलित समाज से आते हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं, वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, और उन लोगों का कल्याण हो, उन लोगों को भारत में नागरिकता मिले, इसका विरोध ये लोग करते हैं। तो वास्तव में जैसे कि मैंने बताया, आपके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, हम निरंतरता से अपने संकल्प को पूरा करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा है, हम हर प्रकार से 140 करोड़ भारतीय और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू समाज के लोग रहते हैं, हम उनके कल्याण, उनके सुरक्षा और उनके सम्मान की चिंता निरंतर करते रहे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।